एक महत्त्वाची बातमी येते. वाढत्या प्रदूषण पातळीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरात ऑड इव्हन फॉर्म्युला लागू करण्याला राष्ट्रीय हरित लवादानं सशर्त मंजुरी दिली. सीएनजी वाहनं वगळून सर्व वाहनांवर हा फॉर्म्युला लागू करण्यात यावा असं राष्ट्रीय हरित लवादानं दिल्ली सरकारला सांगितलंय. दुचाकीस्वारांना या फॉर्म्युल्यामधून कोणतीही सूट मिळणार नाही. केवळ अग्निशमन गाड्या, ॲम्ब्युलन्स अशा अत्यावश्यक सेवांना या फॉर्म्युल्यातून वगळण्यात आलंय. महिला वाहन चालक आणि सरकारी कर्मचारी असणाऱ्या चालकांनाही या फॉर्म्युल्यात सूट देण्यात आलेली नाही. सोमवारपासून 5 दिवसांसाठी म्हणजेच 17 नोव्हेंबरपर्यंत हा फॉर्म्युला लागू राहील. याआधी सुनावणी दरम्यान राष्ट्रीय हरित लवादानं दिल्ली सरकारला चांगलंच फटकारलं होतं. दिल्लीतलं प्रदूषण वाढलं असतानाही ऑड इव्हन का लागू केला नाही असा सवाल लवादानं केजरीवाल सरकारला विचारला होता. कुठल्या आधारावर हा फॉर्म्युला लागू करावा किंवा लागू करू नये याचा निर्णय घेण्यात आला असंही लवादानं विचारलं होतं. आदेश दिल्यावरच सरकार कारवाई करणार का असा सवालही राष्ट्रीय हरित लवादानं उपस्थित केला होता. जो ऑड इवन स्कीम है वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट होगी अगर पीएम 2.10 लेवल 500 से ऊपर और पीएम 2.5 300 से ऊपर जाता है 48 आवर्स के अंदर अंदर मॉनिटर करके उसे ऑड इवन स्कीम को ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट करना होगा. इस बार कोई एग्जेम्पशन नहीं है, कोई वुमेन विद चाइल्ड, वुमेन किसी तरह की कोई एग्जेम्पशन नहीं होगी. ये सब पर लागू होगा, वीआईपीस पर भी लागू होगा जहां तक का ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है. तो इसका मतलब ये कहा जाएगा ओनली इमरजेंसी व्हीकल्स विल बी एग्जेम्प्टेड. सरकार के पास कोई दूरदृष्टि नहीं है, सरकार के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, सरकार के पास किसी भी प्रकार की कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं है. ऑड इवन को लेकर के कोई आदेश तक सरकार के नहीं है. हमारा ये कहना है कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता को, एक तरफ दिल्ली की जनता पॉल्यूशन से त्रस्त है, दूसरी तरफ इस कुव्यवस्था के सहारे दिल्ली के लोगों को ये सरकार परेशान करना चाहती है. हम दिल्ली सरकार के इस फैसले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं. सोमवारपासून दिल्लीत ऑड इव्हन फॉर्म्युला लागू होणार आहे, याबाबत दिल्लीकरांनी काय प्रतिक्रिया दिल्यात पक्षात. दिक्कत तो आएगी, दिक्कत आएगी, पर क्या कर सकते हैं. आप देख रहे हो एनवायरमेंट का क्या हालत हुआ है. तो उस बेसिस पे मुझे लगता है कि खाली ऑड इवन से कुछ होने वाला तो नहीं है, बहुत कुछ और भी स्टेप्स लेने चाहिए. पर अगर कुछ कर रहे हैं तो मेल्स और फीमेल्स दोनों को लिए, दोनों अगर इसको माने तो बेहतर होगा. परेशानी तो होगी, बिना इसके गाड़ी के कोई काम तो होता नहीं है. लेकिन पॉल्यूशन को देखते हुए क्या आपको लगता है फैसला सही है? नहीं, ठीक है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. कोई दिक्कत नहीं है, एक तो बंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पॉल्यूशन तो खत्म होगा. मेरा कहना तो यही है कि बहुत अच्छा है ऑड इवन, क्योंकि जिस हिसाब से अभी दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा हो रखा है, भीड़ भड़ाका ज़्यादा है, तो अच्छा है ऑड इवन. ऑड इवन से देखो जी, जो ट्रैफिक वगैरह तो थोड़ा कम होगा ही, साथ में पोल्यूशन भी कम होगा. परेशानी तो उसके पहले लाइफ जरूरी है, ये तो नहीं है अभी परेशानी देखेंगे, ये लाइफ है तो सब कुछ है.